है हजारों लाखों में एक होता है और फिर बीमारी के साथ लोगों को और होता है जाती है। जांच के दौरान पता चला कि इनका इस तरह का मसला है, उसी हिसाब से फिर ऑपरेशन की चीज़ को थोड़ा सावधानी पूर्वक करना पड़ता है, क्योंकि जब आप दाहिनी तरफ कर रहे हैं तो इधर खड़ा होना है, बाएं तरफ उधर खड़ा होना है, उसमें और जटिलता बढ़ती चली जाती है। जब इस तरह की चीज़ होती है तो जटिलता के हिसाब से सावधानी का स्तर भी बहुत बढ़ जाता है। इसको बिल्कुल अपने काम पर ही इसको शुरू करते हैं। देखिए, मेडिकल साइंस में इलाज के दौरान हम लोगों को ऐसे पेशेंट्स कभी कभी देखने को मिलते हैं जो हम लोगों को ख़ुद भी अचंभित कर देते हैं। शाहिद नाम के पेशेंट पेट दर्द के लेकर हमारे पास आए थे, जिनका इलाज के दौरान जब जांच किया गया तो मालूम चला कि उनका दिल जो बाएं तरफ होना चाहिए वो दाहिनी तरफ है। इसके साथ साथ बदन के और जिस्म के हिस्से जो हैं वो भी दूसरी तरफ को थे, जिधर होने चाहिए थे उसके अलावा दूसरी तरफ थे। जब दिल सिर्फ दूसरी तरफ होता है तो उसको डेक्स्ट्रोकार्डिया कहते हैं, लेकिन जब पूरे बदन की सारी चीज़ें ऑपोजिट डायरेक्शन में होती हैं, ऑपोजिट साइड में होती हैं, तो उसको साइटस इन्वर्सस टोटालिस कहते हैं। इनका लिवर जो राइट साइड होना चाहिए था वो बाएं तरफ था, पित्ता जो दाहिनी तरफ जिगर से लगा होता है वो भी बाएं तरफ था, तिल्ली दाहिनी तरफ थी, अपेंडिक्स बाएँ तरफ था। जाँच के दौरान इनके पथरी की बात मालूम हुई पित्ते में, तो उसको ऑपरेट करना पड़ा। ऐसे मरीज़ों में ऑपरेशन के लिए भी बहुत एहतियात करना पड़ता है, क्योंकि जिस चीज़ की ओरिएंटेशन हम लोगों को नॉर्मली होती है उससे हट की चीज़ हो जाती है। तो जिस चीज़ को दाहिने बांध करके बाएं काटना होता है, वहाँ पे अब उलट के वो बाएं बांध करके दाहिने काटना है। तो हर स्टेप को बहुत केयरफुली देखना पड़ता है, और ख़ास तौर से तब जब हम माइक्रो लैब से करते हैं, छोटे छेद द्वारा उसको ऑपरेट किया जाता है, तो उस वक्त उसकी इम्पोर्टेंस और बढ़ जाती है कि सावधानी पूरी रखी जाए और कोई भी स्टेप ऐसा ना हो जो कि बेख्याली में ज़रा भी नॉर्मल के तरीके से हो करके चली जाए। तो सावधानी का स्तर बहुत बढ़ जाता है ऐसे जटिल ऑपरेशंस में। ऊपर वाले की मेहरबानी से पेशेंट बिल्कुल ठीक हैं, उनको रिकवरी उनकी अच्छी हुई, और अब थोड़ा सा वक्त भी बीत गया है इसलिए अब वो पूरे काम पे भी हैं अपने। लेकिन इस तरह की चीज़ें बहुत कम देखने को मिलती हैं। अब तक हज़ारों ऑपरेशन पित्ते के किए होंगे। ये चौथा ऑपरेशन हमारा पित्ते का था, जिसमें कि इस तरह की चीज़ देखने को मिली। 3 ऑपरेशन पहले मैं कर चुका हूँ, उसके वक्त हो गया, लेकिन ये चौथा ऑपरेशन था जो इस तरह की चीज़ मुझे देखने को मिली। जी, ये पैदाइशी होता है, इसमें कोई बाद में कोई ऐसी बीमारी नहीं कि हो जाने की वजह से हो, मतलब कोई अलग सी चीज़ आ जाती है। जब बच्चा बन रहा होता है उसी वक्त ये चीज़ हो जाती है कि इनके अंग इधर से उधर हो जाएँ। ये रेयर एंटिटी है, बहुत कम होता है, लेकिन देखने को मिलता है। निगेटिविटी यही है कि पहले तो डायग्नोसिस में दिक्कत आती है कि हम मान रहे हैं कि दाहिनी तरफ को दर्द बाएं है तो ये पित्ते में पथरी नहीं होगी, कुछ और चीज़ हो सकती है। डायग्नोसिस में फ़र्क होने लगता है, इन्वेस्टिगेशन से ये चीज़ मालूम होती है।